ये मड़िया पेज है बस्तर का और ये आदिवासी महिलाएं पी रही है। क्यों पी रही है? क्योंकि ये रायपुर प्रोटेस्ट में आए हैं। भीषण गर्मी है रायपुर में और यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए प्रदेश भर की जो मितानिन महिलाएं हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के काम को जमीन पर काम करती है, वही महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई है और भीषण गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए पेज पी रही है। बातचीत करेंगे इन्हीं लोगों से। क्या नाम है दीदी आपका? सगनी। क्या काम करती है आप लोग? मितानिन स्वास्थ्य विभाग में। कितने समय आए? 4 बजे रात को। रात को 4 बजे आए। हाँ, निकले बोलर से। रात को 4 बजे घर से निकले हैं और अब यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? तारा देवी सोरी है। क्या काम करती हैं आप? हम लोग पारा में मितानिन के रूप में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक के सभी का सेवा करते हैं। शासन के जितने भी योजनाओं से संबंधित जो भी समस्या रहता है उसको पहचान करते हैं और उसके अधिकार को दिलाने का प्रयास करते हैं। क्या समस्या आ गई अब तो? जैसे राशन कार्ड में किसी का नाम नहीं जुड़ा है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी को रोजगार गारंटी का पैसा नहीं मिला है, किसी को पेंशन नहीं मिला है, उसकी पहचान करके हम लोग दिलाने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है? अम्बा नाग में। ये बताइए क्या क्या काम रुक गया होगा गांव में अभी? अभी नहीं कर रहे हैं तो मतलब डिलीवरी केस घर में हो रहा होगा और छोटे बच्चे का जो पहचान करते हैं निमोनिया से वो अभी नहीं हो पा रहा होगा। पारा टोला में जो जागरूक स्वास्थ्य के प्रति देते हैं वो भी नहीं हो रहा होगा। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम वही चाहते हैं जो सरकार बोला है खुद से कि मैं इतना आपको दूंगा तो वो दे, हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में दूंगा बोला है उसको दे। सब कोंडा गांव से है? पूरे कोंडा गांव जिला से है। कुछ और महिलाएं उनसे भी बातचीत कर लेंगे, बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं। दीदी आपका क्या नाम है? पुनीता यादव। इतना गर्मी पड़ रहा है यहां? बहुत गर्मी है। क्या लेके आए थे? पी रहे थे अकेले? बढ़िया पेज। हम अपने छोटे छोटे बच्चे लोग को छोड़ के आए हैं घर में रात को सुला के। मड़िया क्या काम करता है? मने की गर्मी दूर करता है। गर्मी दूर करने के लिए ठंडा लगता है मड़िया पेज पीने से, इसलिए मड़िया पेज लेके आए हैं। घर में किसको छोड़ के आए? छोटे छोटे बच्चे लोग को छोड़ के आए हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं जो हम लोग काम करते हैं उसका जो प्रोत्साहन राशि जो देना था सरकार वादा किया है उसको पूरा करे बोल के यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं। आप कहाँ से आई है? कोटवेल से। क्या मांग है और घर में क्या छोड़ के आई है? बाल बच्चा सबको छोड़ के आई हूँ। इन महिलाओं को देखिए, अपने बाल बच्चों को घर में छोड़कर रायपुर पहुंची है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या जो सरकार से आप लोग चाहते हैं? हम लोग का मांग 5 सूत्री मांग है और क्या बोलने से 1 तारीख से हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं। पहला मांग है हमारा मितानिन को दिए जाने वाला राज्यांश जो 75% दे रही है सरकार, उसको 100% मांग रहे हैं। और दूसरा मांग है सरकार चुनाव के समय जो घोषणा की थी 5,000 रुपये कमीशन के अलावा देने का, वो दूसरा मांग है। और तीसरा मांग है उनके निर्धारित काम जिसमें राशि दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त और भी जो काम करती है उस पर भी राशि जोड़ा जाए। और मितानिन की अगर आकस्मिक कुछ मृत्यु हो रही है तो उनके परिवार को ही लिया जाए और बाकी साथी का भत्ता जोड़ा जाए। बताइए कि प्रदेश भर में कितनी मितानिन महिलाएं हैं जो काम करती है? हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में 80,000 मितानिन हैं जो कार्य कर रही हैं और सभी योजना को लेकर, शासन की जितनी भी योजना है सभी योजना को लेकर गाँव स्तर में काम कर रही है, ना कि स्वास्थ्य को लेकर। शासन की जितनी योजना है गांव में पहुंच रही है नहीं पहुंच रही उसकी निगरानी भी हमारी मितानिन करती समिति के माध्यम से करती जा रही है। ये कि बहुत टाइम हो गया है, कोई जनप्रतिनिधि कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहां पर पहुंच रहा है क्या आपसे सुनने के लिए? आज तक 13वां दिन में कोई भी शासन प्रशासन से नहीं आए हैं कि इन लोग हड़ताल बैठे और क्या मांग है ऐसा सुनने के लिए। प्रदेश भर में 80,000 से अधिक मितानिन महिलाएं हैं जो स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभागों के जो सरकारी काम काज है उसको जमीन पर लोगों को राहत दिलाने के लिए, उसका लाभ पहुंचाने के लिए ये महिलाएं काम करती है। लेकिन पिछले 13 दिनों से जो इनकी मांगे हैं, इनको जो सरकार ने घोषणा किया था 2018 विधानसभा चुनाव के पहले, उन घोषणाओं को पूरा नहीं करने के कारण ये सभी अब काम बंद कर चुके हैं और हड़ताल पर बैठ चुके हैं। एबीपी न्यूज़ के लिए रायपुर से रवि मिरी।